हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। श्री जगन्नाथ महादेव मंदिर जीर्णोद्धार व मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रथम दिन महाराजा मैदान में मंदिर ट्रस्ट द्वारा एक शाम श्री जगन्नाथ महादेव के नाम आयोजित भव्य भजन संध्या में भजन गायक कलाकारों ने देवों के देव महादेव को समर्पित भजनों व नृत्यों की शानदार प्रस्तुति देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। 9 बजे शुरू होकर इस देर रात तक चली इस भजन संध्या में प्रसिद्ध भजन गायक कोटा से संजय व्यास एवं मुंबई से लक्ष्मी खंडेलवाल ने भजनों की शानदार प्रस्तुति देकर धर्म प्रेमी लोगों, यहां तक कि ट्रस्ट प्रतिष्ठा समारोह समिति एवं महिला मंडल के पदाधिकारियों व सदस्यों को नाचने और झूमने पर विवश कर दिया। अन्य कलाकारों ने गणेश वंदना गुरु वंदना से भजन संध्या की शुरुआत कर भजनों की प्रस्तुति दी। मनोज रिया एंड पार्टी दिल्ली ने महादेव के भजनों पर शानदार सामूहिक शिव तांडव नृत्य कर दर्शकों को आनंदित कर दिया। भजन संध्या में बतौर अतिथि उपस्थित उपखंड अधिकारी भागीरथ राम चौधरी एवं पूर्व जिला प्रमुख अनाराम बोराना का ट्रस्ट मंडल की ओर से गंगाराम गोयल, बाबूलाल ग्वाला, फूलाराम सुथार, किरस्तुराम खांची, महिपाल सिंह राणावत, प्रकाश भाटी इत्यादि ने साफा दुपट्टा पहनाकर एवं जगत गुरु शंकराचार्य सरस्वती की फोटो युक्त तस्वीर व प्रशस्ति पत्र प्रदान कर स्वागत सत्कार किया। वहीं ट्रस्ट को आर्थिक सहयोग स्वरूप धन राशि भेंट करने वाले विभिन्न जाति समाज के प्रतिनिधियों तथा विभिन्न चढ़ावों के लाभार्थी परिवारों के दो दो सदस्यों के स्वागत के लाभार्थी घांची भवरलाल परमार परिवार की ओर से सम्मान भी किया गया। महोत्सव के दूसरे दिन हुई धर्म सभा। गुरुवार को महोत्सव के दूसरे दिन आयोजित धर्म सभा में कर्णाना मठ बाड़मेर के पूज्य महंत परसराम गिरी जी महाराज ने प्रवचन देते हुए कहा कि अखंड भारत निर्माण के लिए सभी हिंदू सनातन धर्मावलंबियों को संगठित तब किया जा सकता है जब आपसी भेदभाव व छुआछूत का त्याग हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य व शूद्र के रूप में बनाई गई थी, लेकिन अब इसकी जरूरत है। मनुष्य के शरीर में जब ये वर्ण व्यवस्था मौजूद है तो हम इसे अलग कैसे कर सकते हैं। परसराम गिरी जी महाराज ने कहा कि कैसी कैसी आताताई सरकारें आकर धर्म के विरुद्ध फैसला कर देती है। अभी हमारी सरकार ने गोचर भूमि पर कब्जाधारियों को कब्जा सौंपने का फैसला कर गोवंश के विरुद्ध कार्य किया। सौजस संतोष आश्रम के पूज्य संत संतोष गिरी जी महाराज ने कहा कि मनुष्य के ऊपर तीन प्रकार के ऋण होते हैं, उनका पालन किए बिना मनुष्य जीवन की सार्थकता सिद्ध नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि आज हर घर परिवार में भौतिकतावाद के चकाचौंध में बुजुर्गों की अवहेलना की जा रही है। चेतन गिरी महाराज ने कहा कि माता पिता की सेवा भगवान की सेवा से भी बढ़कर है, लेकिन लोग इसे भूल गए हैं। जन्मभूमि व कर्मभूमि सुमेरपुर के हितेश्वर नानंद महाराज ने भी प्रवचन के माध्यम से धर्म प्रेमी लोगों को लाभान्वित किया। धर्म सभा में कमला मठ के महंत हरिपुरी जी महाराज व अन्य संत साधु साध भी उपस्थित थे। शिव जी का ब्यावला व मेहंदी कार्यक्रम। दूसरे दिन ही तीसरे पहर महिला मंडल द्वारा शिव जी का ब्यावला व मेहंदी रस्म का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय कलाकार श्रीमती हिना शर्मा ने गणेश वंदना के साथ शुरू कर उम्दा भजनों की प्रस्तुति दी, जिस पर महिलाओं ने नाच कर कार्यक्रम का आनंद उठाया। इस कार्यक्रम में मनोज रिया एंड पार्टी दिल्ली ने शिव पार्वती विवाह की लाजवाब झांकी प्रस्तुत की। इस शिव पार्वती विवाह की प्रस्तुति पर ट्रस्ट मंडल की ओर से 5100 रुपए का कन्यादान किया गया। ट्रस्ट मंत्री गंगाराम गोयल व प्रतिष्ठा समारोह समिति के सदस्य महेंद्र कुमार दवे ने कार्यक्रम का संचालन किया। महिलाओं की उमड़ी भीड़ को देखते हुए ब्यावला व मेहंदी कार्यक्रम धर्म सभा स्थल पर करना पड़ा। इस कार्यक्रम में करीब 4000 से भी अधिक महिलाओं ने भाग लेकर शोभा बढ़ाई। कोसालिया से जागरूक टीवी के लिए कल्पना मालिक की रिपोर्ट।